हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे सेरिब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। इट इज आल्सो नाउन एज स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक भी कहते हैं और ब्रेन अटैक भी कहते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट ड्यू टू द लोकल डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इट सडन ऑनसेट। मतलब एक न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट है जिसमें लोकल डिस्टर्बेंस मतलब ब्लड सप्लाई जो होती है ब्रेन की वो डिक्रीज हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये हमारा था इसका डेफिनेशन सेरिब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट का। इसको कहते हैं स्ट्रोक या ब्रेन अटैक भी इसको कहते हैं। अब इसके कॉजेस की बात करते हैं। सबसे पहले ओपन हेड इंजुरी। ओपन हेड इंजुरी मतलब कोई हेड इंजुरी होती है उसके कारण। सेकेंड है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सेरिब्रल इस्केमिया और सेरिब्रल हेमोरेज। ये था इसके कॉजेज है। इसके कॉजेज है ओपन हेड इंजरी, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस है, सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सेरिब्रल इस्केमिया और सेरिब्रल हेमोरेज। इसके बाद टाइप्स ऑफ सीवीए। टाइप्स ऑफ सीवीए की बात करें, इस्केमिक और हेमरेज, दो टाइप के सीवीए होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर इस्केमिक और हेमरेजिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्केमिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की। ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड कॉजिंग अ डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन एंड टिश्यू। मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है किससे, ब्रेन सेल एंड टिश्यू को। इसके बाद हेमोरेजिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग कॉज डैमेज ऑफ द ब्रेन सेल एंड टिश्यू। जो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जो ब्रेन की जो सेल है और टिश्यू है वो क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सीवीए। सीवीए की स्टेजेस कौन सी है। फर्स्ट वन है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, TIA। इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नाउन एज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी स्ट्रोक। इसको मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसके बारे में बात करें, इन दिस स्टेज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर 10 मिनट। इसमें जो ब्लड सप्लाई जो होता है वो कितनी देर के लिए होता है, 10 मिनट के लिए क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर दिस वेरिएशन इन ब्रेन फंक्शन, और ब्रेन के जो फंक्शन है उसको डिस्टर्बेंस कर देता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज की बात करें तो रिवर्सिबल ट्रांसिएंट इस्केमिक विथ न्यूरोलॉजिकल अटैक। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज स्ट्रोक बिकम अगेन एट नो ड्यूरेशन इज आइडेंटिफाइड। मतलब स्ट्रोक तो वापिस आता है लेकिन जिसका जो ड्यूरेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जबकि पहले वाले में क्या था, 10 मिनट के अंदर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है प्रोग्रेसिव स्ट्रोक, जिसमें जो स्ट्रोक होता है वो कंटिन्यूस होता है, जिसमें कोई ब्रेक वगैरह ड्यूरेशन वगैरह नहीं होता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा कंप्लीट स्ट्रोक, स्ट्रोक इज प्रेजेंट, मतलब जो स्ट्रोक होता है वो प्रेजेंट ही होता है। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके कारण स्टॉप ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द ब्रेन सेल एंड टिश्यू, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें डिक्रीज हो जाता है सेल एंड टिश्यू ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की जो सेल एंड टिश्यू होती है उसको डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या हो जाती है, लैक यानी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्या होते हैं, शो होने लगते हैं। इसके बाद मिनी स्ट्रोक, यानी जो स्ट्रोक की फर्स्ट कंडीशन हो जाती है वो हो जाती है। इसके बाद हमारा क्या होता है, सीवीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम कौन से हैं, एफेजिया, डिसफेजिया, इसके बाद पैरालिसिस, हेडेक, विजन प्रॉब्लम एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं। इसके बाद जो कार्डिया सेरिब्रोवास्कुलर जो एक्सीडेंट होता है उसके कार्डिनल साइन, जो मेन साइन कौन से है, फर्स्ट ऑन फास्ट, इसको फास्ट के नाम से भी, फास्ट के नाम से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। सबसे पहले एफ का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन,
ए का मतलब एविलेट द आर्म, जो एविलेट आर्म होती है मतलब आर्म है। इसके बाद एस का मतलब होता है स्माइल चेंजेस, जो स्माइल होती है वो चेंजेस होती रहती है। इसके बाद जो है टी का मतलब है टाइम, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। तो ये था हमारा कार्डिनल साइन ऑफ सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें प्रीवियस कोई हिस्ट्री आ गई, कोई सर्जरी आ गई हेड की, या हेड इंजरी कोई आ गया, कोजेज आ गए, वो इंक्लूड है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इसके बाद टेस्ट कौन से हैं, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, एचडीएल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्या कौन सा होता है 90 से 180 एमजी पर डेसीलीटर। और इसके बाद सेकेंड है हमारा HLL, हाई लिपिड लेवल। इसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआरआई। इसके बाद लंबर पंचर और सेरिब्रो एंजियोग्राफी, ये हमारे थे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो सेरिब्रो वास्कुलर में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट जिसमें एंटी कोगुलेशन ड्रग जो होती है वो देंगे, जैसे कि हिपेरिन, वारफरिन। इसके बाद एंटीबायोटिक ड्रग्स होंगी जैसे कि एमोक्सिसिलिन, सिफाट्रैक्सिन। ये थी हमारी दो, क्या है, एंटी कोगुलेट ड्रग्स हिपेरिन और वारफरिन, और एंटीबायोटिक्स ड्रग एमोक्सिसिलिन एंड सिफाट्रैक्सिन, दोनों में से कोई एक दी जाती है। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन कौन सी होती है, एमलोडिपाइन, एम एटीनोलॉल। ये थी हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे जिसमें थ्रोम्बेक्टोमी, थ्रोम्बस को रिमूव करना, इसके कार्डिया कैरोटिड एंट्रेक्टेक्टोमी, जो कैरोटिड होती है उसको रिमूव करना, इंट्राक्रेनियल ग्रैफ्ट, एक्स्ट्राक्रेनियल ग्रैफ्ट। तो ये थी हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट और ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। इसके नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स पे अवेलेबल है, और इसके जो पीडीएफ है आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।